देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज हम बात कर रहे हैं झरिया कोल फील्ड के बारे में। लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये झरिया कोल फील्ड, जहां कोयले का 19,000 मिलियन टन रिजर्व बताया जाता है, जिसमें 5,000 मिलियन टन जो है वो प्राइम कुकिंग कोल है। भारत में सिर्फ प्राइम कुकिंग कोल यही झरिया कोल फील्ड में पाया जाता है, शायद इसीलिए इसे भारत कुकिंग कोल, जो कोल इंडिया का जो अहम सब्सिडी उसका नाम भारत कुकिंग कोल लिमिटेड रखा गया। कोयला यहाँ है, प्राइम कुकिंग है, जो स्टील और पावर प्लांटों में जाता है। इस कोयले से मुल्क की जो जरूरतें हैं एनर्जी का जो 80% जो रिसोर्सेज है वो कोयले से पूरा होता है, और पावर और स्टील प्लांटों को ये कोयला जाता है। इस कोयले को प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, उसके नए सीएमडी एक अरसे के बाद उन्हें इस भारत कुकिंग कोल लिमिटेड को एक परमानेंट सीएमडी पीएम प्रसाद के तौर पे मिला है। काफी लंबा एक्सपीरियंस बताया जाता है इनका, 34 सालों का माइनिंग का एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो अपना ओहदा 2 अगस्त को इन्होंने संभाला और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया के लोगों से बातचीत की, बीसीसीएल के जो मौजूदा हालात हैं और आने वाले कल में इसके क्या फ्यूचर्स रहेंगे और किस तरह के प्लानिंग चल रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने तफसील से बात की। आइए इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं। दबंग से आप बात करें, जैसा एक से बात हो रही है, ज्यादा किया जा रहा है, चल रहा है, 2-3 मीटिंग्स होगा, उसमें हाईकोर्ट कमिटी भी है, मंत्रालय से भी सदस्य है, तो अभी मीटिंग्स है आने वाले समय में 1-2 महीने में, इसलिए हम अपना तरफ से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम हम फुलफिल करें, तब तो डीआरडी में इधर फ्री हो जाएंगे तो उधर भी हम लोग ज्यादा ध्यान देगा, उसमें भी करेंगे, जब इधर करेंगे उधर भी 18,000 क्वार्टर बन रहा है, तो उधर भी 3-4 हजार लोग को शिफ्ट किया, बाकी वहाँ भी कनेक्शन द्वारा बचा है उसको कराएंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, एनवायरनमेंट जो है वो कोर इश्यूज है इस दिस डेज में, तो माइनिंग भी हो सर, इको फ्रेंडली हो, दोनों चीज़ साथ साथ चले, बहुत टफ माइनिंग है आपके यहाँ सर, फायर भी है, सब्सिडेंस भी होता है, ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व है उसमें, माइंस के अंदर पानी भी है सर, जीरो एक्सीडेंट का एक टारगेट आपके यहाँ चल रहा है, तो ये सब इन सब चीज़ों पर रोशनी थोड़ा सा डाल दे सर। एक्सीडेंट के लिए अभी कोल इंडिया से हाल ही में सर्कुलर आया है, इवन कोल इंडिया बोर्ड से भी कोई भी एक्सीडेंट को सीरियस के लिए जा, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके बाद भी कहीं कहीं कमी के चलते होता है, ऐसा हम ये नहीं बोल रहे हैं, उसमें जहाँ पर आप अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, हमारा ओवरऑल इंसेंटिव देने के लिए बात चल रहा है, जिस कंपनी अगर जीरो फैटलिटी हो, जीरो सीरियस इंजरी हो, कोल इंडिया बोल रहा है उस कंपनी को इंसेंटिव देंगे, ताकि पूरा वर्कमैन को भी रिकग्निशन मिले, भाई यहाँ हमारा बेहतर हो रहा है, और जहाँ ज़्यादा हो रहा है एक्सीडेंट्स पिछले साल से 3 साल के एवरेज में, उनको कुछ कटौती भी करने के लिए भी जो है इधर इंसेंटिव दे रहा है, तो उधर थोड़ा सा टाइट भी होना है, तो एक्सीडेंट को हम लोग, हमारा भी बोर्ड जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी मच सीरियस, कि हम लोग भी नहीं चाहते अब भी कहीं कहीं किसी न किसी का मिस्टेक्स हो या हमारा कहीं कहीं इसके चलते हुआ है, उसको हम लोग सतर्क रहें, और इसका नहीं होने के लिए हमारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग, फिर पिट सेफ्टी टॉक्स, पिट टॉक्स भी होता है, शिफ्ट डीलिंग में एड्रेस करें, और बाकी सेफ्टी कमिटी में इसके ऊपर 2-3 बार डिस्कशन हो, उसको धन्यवाद। अब पर एक पंद्रह किया, आज सर 1-15 करता है तो टारगेट अचीव हो सकता है, जो मार्च फरवरी की जो टेम्पो है 6 महीने मेंटेन करना भी थोड़ा टफ रहता है, बट ये टेम्पो को मोटिवेशन करके आपको करना है, और जो हमारा डिपार्टमेंट वर्कर्स वर्किंग में भी मामले 4.5 घंटा आ रहा है, कल मैं सवेरे कुछ एरिया और हम लोग दो एरिया देखे, डिपार्टमेंट में टच मिल गया, तो उनको भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम 1.25 घंटा जो है पर शिफ्ट बढ़ाना है, ताकि पर दिन अगर उसका 3-4 घंटा का तीनों शिफ्ट मिलकर बढ़ता है तो ग्रोथ संभव है। सर बीसीसीएल का टर्न अराउंड 2005-06 में हुआ था, तो उस समय उसके पहले की स्थिति थी कि
प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं होता। अभी दो तीन साल से फाइनेंशियल वाटर सप्लाई डेल्टी रिमोनेशन है, ये जो कुशुंडा का घर बिगड़ा स्टेट का हम लोग पूरा टेबुलर फॉर्म है। इसमें हमारा जो अभी तक जो शिफ्ट हुआ 3863 है, बजट 4000 हमारा एकदम शिफ्टिंग के लिए विद इन 2 मंथ्स हमारा रेडी हो जाएगा। अभी जनरलाइज जो है ना हमारा वर्कर्स का भी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं है, हम लोग उनके साथ कंटिन्यूस टच में एरिया जी एम्स में मेन अभी एटलीस्ट 2000 लोग डिफरेंट एरिया बोल रहे हैं कि इमीडिएट आप इलेक्ट्रिकल वाटर दीजिए आप इमीडिएट जाए। एक हमारे ऊपर भी प्रेजर है कि 2 से 2.5 हज़ार कामगार साथी हमारा मगर ये वाटर्स का रेडी कर देंगे फुल, बाकी प्ले ग्राउंड हमारा बनते रहेगा। और ये सर तीनों एरिया जो शिफ्ट करना था तेतुलमारी में जो आपका बना है वो एरिया ऑफिस दो एरिया ऑफिस शिफ्ट हो गया है। अभी लोग अभी जैसा हाल ही में 2-3 टेंडर हुआ अटलीस्ट 4-5 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3-4 साल पहले 8-9 आदमी 12-13 पार्टी तक जी अभी 4-5 पार्टी बीसीसीएल में भाग ले रहा है, मैक्सिमम लोग जो है कुछ अदर स्टेट्स का थोड़ा कमती लोग आ रहे हैं। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक स्टेबिलिटी उनको भी चाहिए, अगर स्टेबल एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट जनरल एनवायरनमेंट अच्छा रहे और कोयला भी बराबर इंडस्ट्री उनको वो भी एंड कोयला रहे माहौल भी उस टाइप का रहे। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो है 6-8 महीने बाद जो भी टेंडर होंगे तो ये बढ़ भी सकता है। ठीक है आप इश्यू के साथ आपको हमको ही नहीं बोलना है आप सभी में आपको अच्छी भाषा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है जी बढ़ाते हैं 4-5-6 महीने आने वाले समय में डेफिनेटली पार्टिसिपेशन भी रहेगा। ये आई एम वेरी मच होप। और ये सर अंडरग्राउंड माइंस बढ़ाने के लिए या डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड में एरिया वन में एक अंडरग्राउंड माइन है उसको जो पहले से हमारा टेंडर करके कुछ लैंड इश्यूज था सॉल्व कर रहा है वराइटी वो चालू हो रहा है। और उसके अलावा जो है हम लोग पीबी माइंस में पीबी प्रोजेक्ट में एक कंटिन्यूस माइनर के साथ एक टेंडर हुआ है ग्लोबल टेंडर हुआ है अक्टूबर में खुलेगा उसमें भी हम लोग होपफुल है। और बाकी मुंडी में तो 15 सीम का भी डेवेज चल रहा है और कहीं मान लीजिए SDLs वगैरह में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है अभी जैसा हमारा उदाहरण एक बस्ता कोला में एक अंडरग्राउंड है 6 SDL चलता है 300-350 उसको 60-65 टन की जगह 80-90 तक कैसे करेंगे। अभी बस्ता कोला GMC में मशीन चल रहा ताकि वो 600 टन तक कैसे पहुँचे तो हम लोग भी जाएंगे देखेंगे इंस्पेक्शन के बाद क्या स्कोप है जहाँ पर भी है। और वैसे गोविंदपुर में भी मई में कुछ गिफ्ट वगैरह हमारा जाएंगे वहाँ गोविंदपुर में भी एक अंडरग्राउंड है उसमें पोटेंशियल है बैच एक 10-15 साल 20 साल का उसमें गोविंदपुर में भी अंडरग्राउंड में गया था तो देर आर अंडरग्राउंड में है 4-5 जगह बट उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा मिनिमम रहेगा मुनडी का ज़्यादा रहेगा मुनडी या सीधी जो पीबी माइन में जो कंटिन्यूस माइन रहा है मोराइडी अंडरग्राउंड हम लोग शायद मार्च तक कर दिया है दिसंबर तक है सर दिसंबर तक और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने से और 3 महीने का क्वार्टरली पेमेंट होता है और उनका एक ही डिमांड है कि हमारा स्कूल देखने मत आइए कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ स्कूल देखने मत आइए ये गलत है मैं 5 रुपए सही दे रहा हूँ तो क्यों देखने पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है मास्टर लोग का ये हमको समझ में नहीं आता है कि आपको मत आइए हमको पैसा दे ये तो संभव नहीं है सरकारी पैसा देना। और मैं कहता हूँ कि हमारा वेलफेयर कमेटी है हर एरिया में जाएगी आपका स्कूल का देखेगी और जो समस्या है स्कूल टेबल नहीं है चेयर नहीं है बिल्डिंग रिपेयर करना है करेगी मास्टर को फिर भी मैं अनुरोध किया हूँ मास्टर लोगों से गुरुजन है 2023-24 में 0.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन का हम लोग टारगेट रखा है 23-24 कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ फॉरेस्ट इन्वॉल्व है लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व है वो 4 साल मिनिमम लगता है 3-4 साल मान लीजिए आपका CMD रोके भी कर दिया ऐसा नहीं है रोके दिया तक साल चालू नहीं बताया सर कि मतलब पहले से 100-150 रुपया अपना कास्ट प्लस जो है उस टाइप का कोयला डेफिनेटली यहाँ का क्वालिटी से थोड़ा सा कम है उसमें रिजर्व इतना है कि मतलब जो 10 मिलियन का प्रोजेक्ट या BCCL में जो संभव नहीं होता जो बड़ा प्रोजेक्ट जो है वहाँ वो संभव है तो इसलिए उसको चालू है ना हम लोग 500 करोड़ अभी जमा किया है एमनेस्टी को अपफ्रंट अमाउंट लिया है अब उसको अभी हम लोग प्लानिंग स्टेज में CMPDL प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है चालू करना है। CMPDL के रिपोर्ट में तो सर प्रोजेक्ट वाइबल ही नहीं तो
क्या बीसीसीएल को चलाना आर्थिक रूप से ठीक रहेगा? वहाँ तो कॉस्ट भी जो आ रहा है सर, प्रोडक्शन और इसका कॉस्ट में वेरिएशन है। कोई भी प्रोजेक्ट यदि वाइबल नहीं होता वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। सीएम पीडीएम तो दो दो बार रिपोर्ट दिया कि वाइबल नहीं है। वो जीआर डीए भी नगर निगम भी मेरे डीसी साहब से संपर्क में है। हम मतलब जीआर डी के लिए एनओसी दिया है। यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे? लोगों को अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कम्प्लीटली हैंडओवर कर दिया गया। हमारे जो 40 लाख का प्रोजेक्ट है उनको हैंडओवर कर दिया गया है और वो लोग अपना अर्निंग शुरू कर दिया। अभी सेंट्रल हॉस्पिटल से ही हम लोग अभी 2,80,000 का वर्क ऑर्डर उनको दिए हैं, बेडशीट और विंडो कार्टन ये सब में। आप लोग भी इसको थोड़ा प्रचार प्रसार करें ताकि हमारे जो हैंडलूम प्रोजेक्ट का अच्छा मैंने वहाँ सेल हो और वहाँ वो लोग वर्क ऑर्डर प्लेस करें, उनका जीविका अर्जुन अच्छी तरीके से हो पाए। कितना का दिया सर सेंट्रल अस्पताल से? वर्क ऑर्डर उनको दिया गया है, सप्लाई ऑर्डर। कितने का? 2,80,000 का। ये हमारे तरफ से है। इसके अलावा जो है अभी डीसी साहब से बात हो रहा है, दो चीज में मांग रहा है, ये ई लर्निंग जो स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस और वो करीबन 140 स्कूल का मांगा है। हम लोगों से रिक्वेस्ट आया तो हम लोग कर रहे हैं ऑल 140 क्लासरूम्स में, हम लोग डिफरेंट स्कूल्स में एक ई लर्निंग का जो स्मार्ट क्लास का बनाएंगे। और आंगनबाड़ी केंद्र जिला में मतलब 400-500 है तो हमको फर्स्ट हिसाब से हम लोग ये बोर्ड से भी 50 आंगनबाड़ी केंद्र को रिनोवेशन के लिए ले रहा है। तो बहुत आंगनबाड़ी एंड स्कूल्स में हम लोग योगदान रहेगा। इस साल हम लोग का जो जीएमसीएसआर मैडम है हमारा स्वयं मैडम से भी बात हुआ कि हम लोग इसमें फोकस रहेगा। डीसी साहब को भी बोले दो तीन आइटम्स में हम लोग जिला में एक जितना आंगनबाड़ी केंद्र है 400-500 तक हम लोग उसका रिनोवेशन में भाग लेंगे और बाकी स्कूल्स में हाई स्कूल जितने हाई स्कूल है स्मार्ट स्कूल्स धनबाद जिला के सभी हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का इंस्टॉल किया जाएगा। पंचायत में मल्टीपर्पज हॉल का इनॉग्रेशन भी हुआ हमारे माननीय सांसद महोदय की है। आरबीबी हाई स्कूल राजगंज में 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट में क्लासरूम टॉयलेट ऑडिटोरियम साइकिल स्टैंड इत्यादि सब बनाया जा रहा है, काम चल रहा है। नमस्कार, ये आप लोगों से सीएमडी साहब ज्वाइन करने के बाद ये पहली मुलाकात है। मुलाकात तो कुछ लोगों से हुआ है लेकिन गैदरिंग में सभी के सामने मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो आप लोगों की भी मन में ये इच्छा था कि एक बार सम्मेलन किया जाए तो सीएमडी साहब भी कहे कि सभी पत्रकार को एक साथ में बैठना चाहता हूँ, एक बार बातचीत करना चाहता हूँ कि कंपनी के विषय में थोड़ा सुने, आप लोग सभी सुने, आप लोगों को भी सुनाए। तो ये आज का ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शुरुआत में हमारे टीएस साहब टीएस टू सीएमडी श्री राज साहब कुछ बीसीसीएल की परफॉर्मेंस के बारे में प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद ऊपर हम लोग सीएमडी साहब हम लोगों को तथ्य के अनुसार बताएंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा